दोस्तों आप सभी को याद ही होगा रजनीकांत सर के 2010 में रिलीज हुई साइंस फिक्शन मूवी रोबोट। इस मूवी की स्टोरी, बेहतरीन वीएफएक्स, चिट्टी के साथ डॉक्टर वर्सी की इमोशन, लव एंगल इस फिल्म के अंदर देखने को मिला और यही वजह है दोस्तों कि इस मूवी को सभी ने खूब पसंद किया। और पार्ट वन सक्सेस के बाद दोबारा से एक नई कहानी लिखा गया पार्ट टू के लिए और 2018 में इस फिल्म का पार्ट टू रिलीज किया गया, जहां पर पार्ट वन से भी ज्यादा हाई लेवल की वीएफएक्स पार्ट टू में देखने को मिला। वीएफएक्स के मामले में सीधा सीधा हॉलीवुड लेवल के बड़े बड़े फिल्मों को पीछे छोड़ दिया था। 2.0 मूवी की वीएफएक्स एक अलग ही लेवल का था। 2.0 मूवी में अक्षय कुमार की नए लुक और नए कैरेक्टर को लोगों ने खूब पसंद किया और इसी बीच खबरें हैं कि डायरेक्टर एस शंकर इस फिल्म के तीसरे पार्ट को लेकर तैयारी में है और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इस फिल्म में कई दिग्गज कलाकार नजर आने वाला है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में बॉलीवुड के किंग खान एसआरके नजर आने वाला है, उसके साथ ही साउथ के एक और बड़े कलाकार विजय सेतुपति इस फिल्म में नजर आने वाला है और बॉलीवुड और हॉलीवुड के एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म में नजर आने वाला है और उसी के साथ ही चिट्टी के रोल में और डॉक्टर वर्सी के रोल में रजनीकांत सर तो रहेगा ही। डायरेक्टर एस शंकर के साइंस फिक्शन इन दोनों मूवी को जिस तरीके का दर्शकों का प्यार मिला है, इसे उम्मीद है कि तीसरे पार्ट को लेकर भी दर्शकों के भीतर काफी उम्मीद है और पॉसिबिलिटी है कि 3.0 मूवी के अंदर नए लुक के साथ नए नए कैरेक्टर्स दिखाई दे सकते हैं। तो रजनीकांत सर के अपकमिंग इस 3.0 मूवी को लेकर आप लोग कितने एक्साइटेड हो जरूर कमेंट करके बताना।